Hello friends, welcome to my YouTube channel. 64th BPSC का result declare किया जा चुका है और इसमें 9 questions में बदलाव किए गए हैं और जिस किया गया है तो ये मैं अभी आपको बता देता हूँ कि किन-किन questions के answers में change किया गया है और किन-किन questions को delete किया गया है. तो मैं सीधे पहले आपको questions को बताता हूँ जिसको delete किया गया है. तो friends, मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये सेट ए का पेपर है. सेट ए का है क्वेश्चंस, ये जो दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे. सेट ए का क्वेश्चन नंबर 41 आप देख सकते हैं, इसको डिलीट कर दिया गया है. क्वेश्चन था इन विच सिटी और स्टेट वाज एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम वायु इंस्टॉल्ड इन सितंबर 2018. इसका पहले से आंसर दिल्ली दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी, लेकिन इस क्वेश्चन को ये डिलीट कर दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50. इसके आंसर में चेंज किया गया है. क्वेश्चन नंबर 50 आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बिहार्स मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना. तो इसमें पहले अलग आंसर दिया गया था, लेकिन अब इस आंसर को बदल के ऑप्शन नंबर सी आंसर कर दिया गया है. सी, जो कि एक्सपेक्टेड भी था, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सी होना चाहिए, तो एक्सपेक्टेड भी था, तो ये सही किया गया है. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, व्हेन वाज द बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म्ड. तो इसमें भी काफ़ी आंसर में बदलाव का मांग किया जा रहा था और बीपीएससी ने इसको चेंज भी कर दिया है. इसका चेंज करके नया आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी कर दिया गया है. सी को नया आंसर, पहले से आंसर जो था वो डी वाला आंसर सही था, लेकिन अब इसको सी को कर दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 का अगर हम देखें तो इस वाले क्वेश्चन में भी आंसर में चेंज किया गया है. पहले इसका आंसर ए था, रसिया इसका आंसर दिया गया था, लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर में. अब इसका जो है नया आंसर ऑप्शन नंबर सी किया है, सी किया गया है. नेक्स्ट, हाँ, एक जो सबसे एक्सपेक्टेड जो ये आंसर चेंज था कि इसमें आंसर चेंज होना चाहिए, ये बिहार एज एन इंडियन स्टेट वाज फॉर्म्ड इन. पहले इसका आंसर बीपीएससी के द्वारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया था, अब इसका आंसर चेंज करके ऑप्शन नंबर सी कर दिया गया है. नेक्स्ट, क्योंकि ये पिछले एग्जाम में भी पूछा जा चुका था तो इसमें लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बीपीएससी आंसर चेंज करेगी और इसने चेंज भी कर दिया है. नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन जो है, इन बिहार ड्यूरिंग अप्रैल जून 2018 विच सेक्टर हैज अट्रैक्टेड द हाईएस्ट एफडीआई इक्विटी इनफ्लो. इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है. ये मैं आपको बता दूं कि ये डिलीट कर दिया गया है. पहले इसका आंसर ए दिया जा रहा था, अब इसको डिलीट कर दिया गया है, क्वेश्चन को हटा दिया गया है. तो इन सब क्वेश्चन से आप देख सकते हैं कि काफ़ी कट ऑफ में काफ़ी फ़र्क पड़ा होगा और मार्क्स में भी लोगों के फ़र्क पड़ा होगा. काफ़ी लोगों के मार्क्स घटे ही हैं, बढ़े नहीं हैं. नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखें तो आपने अभी तक देख लिया कि दो क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जा चुका है. अगला क्वेश्चन अगर देखें, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ, क्वेश्चन नंबर है 119, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन बिहार स्टेट एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन 2017-18. तो इसमें ई आंसर दिया जा रहा है, नन ऑफ द एबव. अगला क्वेश्चन, इसमें बहुत जगह माना जा रहा था कि ऑप्शन नंबर डी सही हो सकता है 70, या ऑप्शन नंबर सी पे भी बात चल रही थी, लेकिन ये ई है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. हाँ, एक जो क्वेश्चन डिलीट किया गया है, और ये मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर, इट वॉज सेड दैट हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम. इस क्वेश्चन में भी लोग भी मांग कर रहे थे कि आंसर इसका ए होना चाहिए, लेकिन इसको चेंज करके इसको सी कर दिया गया है, सॉरी डिलीट कर दिया गया है. तो ये क्वेश्चन हटा दिया गया है. अब देख सकते हैं अगला है, देखते हैं अगला क्वेश्चन में जो चेंज किया गया है वो क्वेश्चन नंबर 134 सेटी का मैं बात कर रहा हूँ. इन विच टेरिटरी डिड ट्राइबल्स रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश. तो ये ट्राइबल जो है, पहले आंसर दिया गया था वो ऑप्शन नंबर ए दिया गया था, बिहार, लेकिन इसको चेंज करके अब ई कर दिया गया है. ये एक अनएक्सपेक्टेड मूव है, मतलब ये लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इसका आंसर ई होगा, लेकिन बी दिया गया आंसर. तो इसमें चेंजेज में इतने ही है अभी. तो अब देख रहे हैं कि टोटल 3 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया है. तो इससे मार्क्स में लोगों के डिफरेंस आया है. तो अब मैं इसको आपको कट ऑफ दिखा दूँ. ये कट ऑफ जो इस बार का है वो अनरिजर्व के लिए 97 है, 86 है अनरिजर्व फीमेल के लिए क्योंकि उनको 35% रिजर्वेशन मिला हुआ था. एससी का, एससी कैटेगरी का 85,
और ये मैं बता देना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो में, वीडियो जो मैंने अपलोड किया था पिछले बार कट ऑफ का, वो देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल एज इट इज यही बताया था। मैंने अनरिजर्व के लिए मैंने बताया था कि जो मैक्सिमम वो 97 है, और ये बिल्कुल 97 ही गया है। आप मेरे, आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो तो आप वीडियो देख सकते हैं, बैक में जाके, बैक डेट में जाके देख सकते हैं मेरे लिंक पे। और एससी का मैंने बताया था 84 से 86, तो उसका एवरेज 85 है। मैंने एसटी के लिए बताया था 88 to 90, ये आप देख सकते हैं इसका एवरेज 89 है। तो मैंने जैसा बताया था बिल्कुल कट ऑफ वैसा ही है। तो ये अब कट ऑफ आपको मालूम चल ही गया होगा। अब देखते हैं टोटल सिलेक्टेड स्टूडेंट जो है इस बार वो 18,206 हैं। 18,206 स्टूडेंट्स को सफल घोषित किया गया है। तो अब आप मेंस की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि शायद मेंस वो जून में हो सकता है। तो इसके लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर मेन एग्जामिनेशन फॉर 64th BPSC। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं आगे कोई कुछ वीडियो लेके आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो फ्रेंड्स, साइनिंग ऑफ।